अभी भाभी जी घर पर हैं। जिंदगी में पहली बार मैं खुद कच्चे बनियान के घर के अंदर चल के जाऊंगा, और सिर्फ जाऊंगा ही नहीं, उसको मिलूंगा, गले से लगाऊंगा, जप्फी डालूंगा, और हो सके तो एक पप्पी भी लूंगा। भाभी जी, गौर से देखिए मेरी आंखों में, क्या नजर आ रहा है आपको? अकच्छे तो नजर आ रहा है, अकचरा है आंख के अंदर। अरे आप ठीक से मुंह ना धोए का। किस किताब में ऐसा लिखा कि किसी और की बीवी को भगा ले जाने से हस्बैंड वाइफ के बीच में रोमांस और बढ़ जाता है? मिंटू छाबड़ा, बस योर आईडिया। अब उसने मुझे एक टास्क दिया, वो टास्क मैं कर रहा हूं। दिस इज नॉट राइट, दिस इज वेरी अनफेयर। जाओ भगा कर ले जाओ अंगूरी जी को। किसी पत्नी का पति किसी पराई औरत के साथ भाग जाए तो पत्नी उससे नफरत करेगी कि प्यार करेगी, बताइए? अच्छा, यही सवाल अगर हम तुमसे करें तो तुम क्या करोगी? हम तो अपने पति को गोली मार के खुद को गोली मार लेंगे। तू तो मेरी बहन को जानते ही है। अरे यार, इस मोहल्ले में एक लौंडा रहता है जिससे वो प्यार करती है। अरे है कोई विभूति नारायण। मैं किसी भी कीमत पर उस आदमी को खरीदना चाहता हूँ। जिस आदमी को खरीदने की बात कर रहे हैं ना, हम उसे जानते हैं और हम ये डील आपकी करवा सकते हैं। भाभी जी, हमारे पास आपके लिए एक ऑफर है जिससे आप 1.5 करोड़ रुपया कमा सकती हैं। अच्छा भाभी जी, क्या है कि एक करोड़पति शख्स है जिसकी बहन भभूति जी को बहुत पसंद करती है, वो इनसे शादी करना चाहती है। क्या तुम सोई नहीं अभी तक? विभू, सोते वो हैं जिन्हें ख्वाब देखना होता है, जिन्हें ख्वाब पूरे करने होते हैं वो जागते हैं, सोते नहीं हैं। बड़ी फिलोसफिकल, बड़ी फलसफे की बातें कर रही हैं आज आप। नहीं विभो, फलसफे की बातें वो करते हैं जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता। मेरे पास बहुत काम है। देखो देखो तो सही, देखो ये मेरे ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट का प्लान है, कितना बड़ा इंस्टीट्यूट है ये देखो। प्लान तो बड़ा कमाल है, लेकिन बहुत महंगा नहीं है? बहुत खर्चा नहीं होगा इसके ऊपर? अरे नहीं, मैंने बताया था ना तुम्हें, सिर्फ 1 करोड़ रुपए डालने हैं। तिवारी जी दे रहे हैं मुझे। यार मुझे भरोसा नहीं तिवारी जी पे यार, कि वो तुम्हें 1 करोड़ रुपए देंगे सीरियसली। देखो ये क्या है, अगर तुम पॉजिटिव नहीं बोल सकते तो कम से कम नेगेटिव तो मत बोलो। यार नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, उस आदमी की औकात है। I mean, look at him, the lifestyle, yeah. He has a typical rural lifestyle. I mean, नाश्ते में क्या खाते हैं? अचार और पराठा। I mean, no cornflakes, no boiled eggs, nothing. I mean, this is ridiculous. वो कहाँ से देगा? Tell me, वो आदमी कहाँ से लाकर देगा तुम्हें 1 करोड़ रुपया? बताओ मुझे। विभू तिवारी जी को करोड़ों का कच्चे बनियान का ऑर्डर मिला है, सुबह उनकी पेमेंट भी आने वाली है, उसी पेमेंट में से तो वो मुझे 1 करोड़ रुपए देने वाले हैं। अच्छी बात है, भगवान करे ऐसा हो, मैं दुआ करूंगा। विभू अच्छी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। विभू देखना, ये 1 करोड़ रुपए मुझे मिल जाएंगे ना तो मैं ये इंस्टीट्यूट इतना बड़ा बनाऊंगी, इतना बड़ा बनाऊंगी जैसा किसी ने देखा ही नहीं हो। जहन साहब, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। जय हिंद हापू सिंह, क्या बात है, ऐसी रोनी सी शक्ल लेकर क्यों आए हो? किसी ने पीट दिया क्या तुम्हें? क्यों रायता फैला रहे हो? साफ साफ बताओ क्या हुआ, किसने पीटा तुम्हें? बीबी ने पीट दो साहब। बीबी ने पीट दिया। बहुत खूब, बहुत खूब। साहब आप हंस रहे हो? हंसू नहीं तो क्या करूं, बीबी से जो मार खा के आ रहे हो। किसी औरत के साथ में रंगे हाथ पकड़ लिया क्या उसने? ना ना साहब, ऐसा बिल्कुल ना है। तो कैसी बात है? असल में साहब बात ऐसी है, मैं कई साल से तरक्की ना हो रही है, 5 साल से हम बद्दरोगा की कुर्सी रगड़ रहे हैं। यही बात पे बीबी से झगड़ा हो, झगड़ा ऐसा बढ़ गो के बना में कूट दो, ऐसो कूटो साहब, ऐसो कूटो, झरिया चिमटा सब सब एक कर दे। दोनों के बच्चा है हमारे,
उनके सामने मारू, हमें कुत्तन जैसे मारू, सब बच्चन ने देखो, और जो कह के घर से निकाल दो। कह रही है जब तक तुम दरोगा से एसपी ना बन जाओगे घर में ना घुसी हो सारे, ऐसा बोलता वो हमें। तो ऐसी नौबत ही क्यों आने देते हो, तो तरक्की करो। अरे यार सिंगानिया, तू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया। याद है तुझे, तू कानपुर स्टेशन पर चने बेचा करता था। लाले, तू भी तो कुल्फी बेचा करता था है? और बता सिंगानिया, इतने दिनों के बाद तुझे मेरी याद कैसे आई? हा यार प्रेम, तू तो मेरी बहन को जानता ही है। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, जिसकी अभी तूने चौथी शादी की, वही ना? हाँ यार, लेकिन 15 दिन के बाद ना उसको भी तलाक दे दिया यार। अरे यार, ये किस किस्म की है तेरी बहन, उसका एक आदमी से मनी नहीं भरता। अरे यार, अब मेरी बहन है ही ऐसी तो मैं क्या कर सकता हूँ यार, है तो मेरी बहन ना। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ भाई। वो तो मैं जानता हूँ, इसलिए तो उसकी हर जिद पूरी करता है। हाँ यार, लेकिन आजकल ना एक नई जिद पकड़ रखी है। कौन सी जिद? अरे यार, इस मोहल्ले में एक लौंडा रहता है जिससे वो प्यार करती है। कौन सा लौंडा बे? तू जानता है यार? अरे यार, मैं तो बहुत लोगों को जानता हूँ, साले उसका नाम तो बता। अरे है कोई विभूति नारायण। अबे ओ सिंगानिया, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? साले वो तो पहले से ही शादीशुदा है। हाँ तो क्या हुआ बे, हैं? एक आदमी दो दो शादियां नहीं कर सकता क्या? तो बात करने यार तू। Your coffee. Hey, come on, cheer up. Smile. जब तुम मुस्कुराती हो ना, तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने ठहरे पानी पे पत्थर फेंक दिया हो। Come on. Baby, एक बात कहूं, तुम मेरा यकीन करो, मैं दिल से चाहता हूं कि तुम बहुत आगे जाओ, बहुत तरक्की। सिर्फ चाह भर लेने से क्या होता है? बेबी मैं क्या करूं, बताओ ना मुझे, जान दे दूं अपनी, बेच दूं अपने आप को, बताओ क्या करूं? भाभी जी घर पर हैं? और सुनाइए भाभी जी। भाभी मेरे पास सुनाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप सूटकेस लेके कहाँ घूम रहे हैं, क्या है सूटकेस में? वो सड़े हुए कच्चे बनियान होंगे और क्या। जी नहीं, अगर उधर भाभी जी, इस सूटकेस में दरअसल वो जादू की छड़ी है जो आपके ग्रूमिंग इंस्टीट्यूशन के सपने को साकार कर सकती है। क्या कहना चाह रहे हैं आप तिवारी जी, साफ साफ बताइए ना, इस सूटकेस में क्या है? जी ये है, इसमें 25 लाख रुपए। मुझे अनु ने एक अमीर आदमी के हाथों बेच दिया, I am sold. हाँ, ये तो बहुत खुशी का बात है कि आप बहुत महंगा बिक गए हैं, इतना उम्मीद ना आई था हमको आपसे। लाची औरत। का बोले? जरा चल के दिखाइए। चल के दिखाइए क्यों? अरे चल दो ना। जरा नीचे झुकिए। क्यों झुकूं? क्यों झुकूं? अरे झुक जाओ ना विभू, वो देखना चाहते हैं तुम्हारी स्पाइन ठीक है कि नहीं। पहले तो हमारा दोनों बेटा का जिंदगी बर्बाद कर दिया, उन दोनों का काम धंधा भी सत्यानाश करने पर तुली हुई हो। हमें लगता है ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, अब एक बार कोर्ट जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। मिस्टर जी, आप काहे फाइल वाइल पे उलझे हुए हैं? अरे हम सृष्टि है ना, हम संभाल लेंगे आप। अरे तुम लोग सब संभाल लोगे वो ठीक है, अगर कोई भी धोखेबाजी हुई तो उसमें मेरी रेपुटेशन, मेरा नाम खराब होगा। मिस्टर जी की सच्चाई और ईमानदारी को देख के ना वो गुंडे का दिल पिघल गया और उसने वो कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर जी के लिए छोड़ दिया। कहानी बहुत अच्छी सुना। एक बात की मुझे दुगनी खुशी से। किस बात की दुगनी खुशी हो रही लक्की जी? इस बात की कि कल से हम एक साथ दौड़ेंगे और एक साथ कुश्ती करेंगे। मैं कुश्ती नहीं कर पाऊंगी लक्की जी। सोचता हूँ कोई ना कोई तो होगा इस दुनिया में जो बड़ों के आत्मविश्वास को बढ़ावा देगा। मैंने पूरा विश्वास है बड़ों कि वो दिन जरूर आएगा जिस दिन हम मिलकर एक साथ कुश्ती करेंगे, और ये हमारा भरोसा से।
गोकुल के कुछ गोप नंद बाबा को बताते हैं बकासुर काना को उठा के ले गया। अक्रूर जी की मृत्यु के पश्चात उनकी देह को हिलता देख महारानी रोहिणी के साथ साथ सभी चकित हो जाते हैं। सेनापति अक्रूर जीवित है। बकासुर काना को अपनी चोंच से दबोच उन्हें अपने मुख के भीतर ले जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जरा दूध लेके आ बच्ची के लिए और सोने बबली को भी पिला देना। बस कुछ ही देर में चंदर की बुट्टी मचाएगी तहलका। बबली, बबली अब आया खेल में मजा। बबली!